स्थित धोबी कुल्ली में रह रहे लगभग 100 लोगों को बीसीसीएल भुल्ली में खाली पड़ी जमीन में बसाने की तैयारी शुरू कर दी है, जिसको लेकर आज भुल्ली के पंचवटी इलाके में बीसीसीएल द्वारा अपनी जमीन पर डोजरिंग कराकर समतलीकरण का कार्य धनबाद सीओ प्रशांत लाल के नेतृत्व में किया जा रहा था। समतलीकरण कार्य शुरू होने के बाद ही स्थानीय ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया। विरोध होता देख मंगलवार तक के समतलीकरण कार्य को रोक दिया गया है। वहीं स्थानीय ग्रामीण ने बताया कि उक्त जमीन को लेकर ग्रामीण और बीसीसीएल के बीच मुआवजा को लेकर मामला लंबित है। ऐसे में बीसीसीएल प्रबंधक डराकर जमीन हड़पना चाहती है, ऐसा नहीं होने देंगे। प्रशासन से अपॉइंटमेंट बताइएगा सर। देखिए, ये जो बीसीसीएल का भुली मौजा है, बीसीसीएल की जमीन है, 813 खाता है, ये बीसीसीएल के नाम से नए सर्वे खतियान में दर्ज है। और चूंकि देख रहे हैं आप, यहाँ बीसीसीएल के द्वारा पुनर्निर्वास किया जा रहा है। इनका गोंदुडी जो एरिया है बीसीसीएल का, वहाँ क्षति कुछ मकान जो हैं रह रहे हैं वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं और गिरने के कगार में, इसलिए वहाँ कार्य बंद किया गया है। तो उसको पुनर्वास करते हुए इस क्षेत्र को चिन्हित किया गया, तो ये क्षेत्र में उनको पुनर्निर्वासित करके गोंदुडी ओपी में जो वहाँ का कुलियरी है उसका कार्य तब प्रारंभ। दंडाधिकारी के रूप में हम प्रतिनियुक्त हैं और इस क्षेत्र का जो है जो भी विधि व्यवस्था की समस्या थी उसको हम लोग दूर कर रहे हैं। आज भी सर कुछ लोग विरोध कर रहे हैं यहाँ के। देखिए, विरोध दर्ज करना स्वाभाविक है, लेकिन आपको पेपर के साथ विरोध दर्ज करना है, क्योंकि नया सर्वे में बीसीसीएल इसके नाम से ये सर्वे में आ चुका है, तो आपको जो भी चीज़ कहनी होगी कोर्ट में कहनी होगी, अन्यथा आप अपनी चीज़ों को। तो कैसे ठीक है, ठीक है, अकेले कोई दिक्कत नहीं, अपना चीज़ बता दीजिए कि ये बीसीसीएल द्वारा किस पर्पज से यहाँ पर डोजरिंग कराया जा रहा है। बीसीसीएल का ये जमीन जो है भोली टाउनशिप एडमिनिस्ट्रेशन के अधीन आता है, जो कि बीसीसीएल के अंतर्गत आता है। तो हम लोग इसी को जो है यहाँ पे 2-3 दिन से पेलोडर से ला करके इसको चला रहे थे, तो कुछ यहाँ के ग्रामीण लोग आकर के रोक रहे थे, जिसका हम लोगों ने शिकायत किया था वहाँ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में। वहाँ जो है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से मजिस्ट्रेट साहब का डिप्लॉयमेंट हुआ है, सीओ साहब आए हुए हैं और उनके देख रेख में ये जो है लेवलिंग का काम हो रहा है, जिससे हमारा अपना जमीन जो है हमारे कब्जे में। क्या योजना है यहाँ पर जो डोजरिंग करा के क्या होगा यहाँ पर? किसी जगह से सुना कि विस्थापित हो रहे हैं जो विस्थापित, जहाँ जो हम लोगों का जो यहाँ पे प्रोजेक्ट चलाना है, अभी जो प्रोजेक्ट चल रहा है जहाँ से कोयला निकलना है, अभी तो मेरा तो चल रहा है कुसुंडा एरिया में चल रहा है, गोंदुडी में चल रहा है, और जहाँ चल रहा है जहाँ के लोग का जो जरूरत होगा रैयत होंगे उस हिसाब से उनको जो है अपना यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दिलीप कुमार है। पद बता दीजिए। हम प्रबंधक हैं गोंदुडी खास कुसुंडा कॉलोनी कुसुंडा एरिया।